दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे स्टडी करें हम कि पूरे बाजार का सीन एक साथ आपको नजर आ जाए। तो यहाँ पूरे बाजार का सीन आपको नजर आ सकता है। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सवालों से ही हमको डायरेक्शन मिलती है आगे काम क्या करना है। मार्केट में बहुत अच्छा मौका है, हो सकता है आगे 2 या 3 सालों तक इस तरह का मौका नहीं मिलेगा और ये सबसे बड़ी रैली होने वाली है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और आपको लग रहा है कि बाजार में गिरावट आई है, बहुत बड़ी सेलिंग आ गई एफआईआई की सेलिंग की वजह से, लेकिन इस तरह के मौके पे ही तो आपको देखना होता है दोस्तों कि अभी क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं trendline.com में फ्यूचर हिटमैप करके, मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि आज के दिन में सीमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा, आइडिया का फ्यूचर, फिर कमिंस इंडस्ट्री, गिरने में अगर बात करूँ तो ये टॉप लूजर्स है अल्केम, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम। तो आपको पता लग रहा है मेटल सेक्टर पे एक तरह का प्रेशर है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, प्राइस परसेंटेज के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज के हिसाब से और ओआई परसेंटेज के हिसाब से। प्राइस में जो बढ़े तो उसमें पता लग जाएगा, जैसे सामने आप देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज के हिसाब से देखूँ तो प्राइस बढ़ने की बात नहीं पूछ रहे, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किस में बढ़े हैं तो कोई न्यूज़ हो सकती है जिसका अंदाज़ा आपको यहाँ से लगेगा। ओआई परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ को किस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है, तो ओबेरॉय रियल्टी में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, क्या लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही है। तो मैंने क्लिक किया और लॉन्ग बिल्डअप ओआई परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप, एससीएलटेक, एचडीएफसी बैंक, M&M, फिर यहाँ शॉर्ट कवरिंग, मतलब जो शेयर गिरे हुए थे उनमें अब यहाँ से फिर से रिकवरी आने लगी है और गिरते गिरते अब प्राइस बढ़ के चलने लगी है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब प्राइस बढ़ चुकी थी पिछले 2-3 दिनों में, एक अच्छी रैली आ चुकी है, 10-15% की रैली आने के बाद अब वो लॉन्ग पोजीशन खत्म होने लगी है, लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे। तो क्लियर हो रहा है दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप मतलब नए सिरे से यहाँ पे तेजी की पोजीशन बन रही है, शॉर्ट कवरिंग मतलब गिरावट से पलट के शेयर ने चलना शुरू कर दिया है, जैसे टाटा मोटर में दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग, टोरेंट फार्मा, HDFC, MC। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या चीज़ है कि लॉन्ग चल रहा था अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, और शॉर्ट बिल्डअप मतलब नए सिरे से यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है ओआई परसेंटेज के हिसाब से। पर क्या कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज के हिसाब से भी ऐसा है? मैंने क्लिक किया तो लिस्ट बदल गई दोस्तों, यहाँ पे अल्केम, ओबेरॉय रियल्टी, मदरसन, जिंदल स्टील का नाम आ गया। प्राइस परसेंटेज के हिसाब से आपको LTIM दिख रहा है, मदरसन दिख रहा है, इन्फी दिख रहा है और अल्केम सबसे ज़्यादा गिरा है। तो अब डिसीजन कैसे लेंगे, जैसे लॉन्ग बिल्डअप पे आप चले गए, तो अब मैं यहाँ सीमेंस को क्लिक करके देखूंगा कि सीमेंस का ओवरव्यू क्या है, एज ए शेयर सीमेंस का शेयर कैसा है, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि सीमेंस लिमिटेड में पोजीशन बनाई जा सकती है कि नहीं। एक्सपेंसिव परफॉर्मर दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2,61,000 करोर की कंपनी है, इसका PE 106 का है, महंगा शेयर है, PEG TTM 5.2 दिख रहा है, जो एक से कम हो तो ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम, प्राइस टू बुक वैल्यू 20 की दिख रही है, मतलब शेयर डेफिनेटली महंगा तो है, पर यहाँ पे स्ट्रेंथ 15-13 और वीकनेस थ्रेट 4-3 दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है जिससे पता लगता है कुछ समय के लिए इसमें पोजीशन बनाना बुरा नहीं है। प्राइस के चार्ट में हमने देखा कि ऐसे तेज़ी से रैली आई थी, बाजार की गिरावट में भी इसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं आया, अभी भी इसमें पूरी हिट बाकी है नज़र आ रहा है। EPS का ग्रोथ देख लेते हैं दोस्तों, क्या बात है, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, तो हमको नज़र आ रहा है कि हाँ इसके प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार। तो कोई कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और फिर नीचे आ पाए तो क्या देखने को मिल रहा है कि इसके सेल, स्ट्रॉन्ग सेल के बारे में 3 या 2 लोग बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाय के बारे में 8 एनालिस्ट बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखने की होती है दोस्तों। और हम जाके सीधा देखते हैं ये 2 लाइन्स, ये पूरा जो टेबल आप देख रहे हैं ना, इस टेबल में क्या है, जून 21 से लेके जून 24 तक, ये पिछले 10 क्वार्टर के रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें सेल्स को आप देखेंगे 2754 करोड़ से 2700 करोड़ से 4900 करोड़, 2700 करोड़ से 4900 करोड़, मतलब लगभग डबल होने को आया। इतनी बड़ी रेवेन्यू की बात है तो डबल होना भी बड़ी बात मानी जाएगी। फिर 1100 करोड़ से नेट प्रॉफिट यहाँ 2400 करोड़ हो गया और EPS 31 से 68 का हो गया, डबल से ज़्यादा दोस्तों, तो ये एक बात बनती है। फिर ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर में बात करूं तो जो ग्रीन ग्रीन है, पहले तो एक नज़र ये देखो कि ग्रीन कितने हैं, रेड कितने हैं। सबसे पहले रेड पे ध्यान देना, कोई बुरी बात तो नहीं होगी, ज़्यादा नेगेटिव बात क्या है, स्टॉक प्राइस रोज 102% एंड अंडर परफॉर्म्ड इट्स सेक्टर बाय 50